हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबूस किचन। आज का रेसिपी पोटैटो नगेट्स। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पोटैटो नगेट्स बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक बॉयल पोटैटो ग्रेट करके रखा। फ्राइंग के लिए ऑयल यूज करूंगी, एक स्क्वायर चीज यूज करूंगी, एक ओनियन रफली चॉप किया और एक बाउल स्वीट कॉर्न लिया, एक बाउल ब्रेड क्रम, दो चम्मच मैदा, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक चम्मच होममेड मैगी मसाला, ये पहले ही वीडियो में देख के रखा, आप लोग देख सकते हैं, और एक चम्मच रेड चिली पाउडर। ग्राइंडर का जार ले लिया, कॉर्न ऐड कर दिया, अनियन ऐड कर दिया और जो चीज स्लाइस लिया वो भी ऐड कर देती हूँ। तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बच्चे लोग को तो चीज़ बहुत पसंद है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, रेड चिली पाउडर और होममेड मैगी मसाला पीस के रेडी कर लेती हूँ। थोड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया, जो पीस के रेडी किया ऐड कर देती हूँ। अभी जो बॉयल पोटैटो लिया वो भी ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से सारे मसाला, कॉर्न चीज सारे मसाला ऐड करके जो पीस के रखा था वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और बाइंडिंग के लिए दो चम्मच ब्रेड क्रम ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी हाथ क्लीन कर लेती हूँ, फिर बनाऊंगी। हाथ में थोड़ा ऑयल ग्रीजिंग कर लिया और छोटा छोटा पोर्शन लेके नगेट्स तैयार कर लेती हूँ। ऐसे ही सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। सारे पोटैटो नगेट्स बना के तैयार कर लिया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। बड़ा बाउल ले लिया, मैदा ऐड कर दिया, कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और एक बैटर तैयार कर लेती हूँ। अच्छी तरह से स्मूथ बैटर तैयार कर लिया, ब्रेड क्रम ऐसे अच्छी तरह से प्लेट में स्प्रेड कर लेती हूँ। ऐसे डिप करके ब्रेड क्रम में कोट कर लूंगी। प्लेट में ऐसे अरेंज कर लेती हूँ। पहले कोट कर लेती हूँ, बाद में ब्रेड क्रम से कोट कर लेती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे नगेट को ऐसे कोटेड कर लेती हूँ। सारे नगेट को ब्रेड क्रम से कोट करके रेडी कर लिया, चलते हैं फ्राइंग के लिए। ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्राई कर लेती हूँ। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप करूंगी। एक साइड फ्राई हो गया, फ्लिप कर लेती हूँ। दोनों साइड अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेती हूँ। दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गया।
एक्स्ट्रा ऑयल सोक करने के लिए टिश्यू पेपर में निकल के रखती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। सारे पोटैटो नगेट फ्राई करके रेडी कर लिया। देखिए है ना मज़ेदार पोटैटो नगेट। और प्लेटिंग कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी, अंदर बहुत सॉफ्ट और जूसी टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो नगेट्स बनाया। बहुत इजी से बन जाता है, खाने में बहुत टेस्टी है। वह जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।